करवाएंगे। रिफ्यूजी कैंप पे बहुत सारे काम कर चुके हैं हम 2012 से लेकर आज तक। ये हमारे जो रोहिंग्या सेलेटिक कमीशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका सदर भी राणा बशार अली खान साहब को सऊदी अरब के ऑफिशियल मीटिंग के साथ हमारे जो जिम्मेदार हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर उनको सदर भी बनाया गया उसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन के मातहत हम बहुत सारे काम कर चुके हैं। रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप पे तकरीबन 1000 से ज्यादा रोहिंग्या कैंप और बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे स्कूलों में स्टूडेंट की खिदमत और यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों को हमने तालीमी वसाइल फराहम किए हैं। उसी तरह अभी तक उधर सैनिटेशन और वाटर सप्लाई के भी बहुत सारे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम इधर रिफ्यूजी कैंप पे काम कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के मातहत आइंदा भी काम करने के लिए हम इधर अच्छी एक्टिविटी करने के लिए हम तैयार हैं। तो आप हजरत जानते हैं रोहिंग्या मुसलमानों की क्या हाल है, क्या सूरत हाल है। इनको हर तरह की यानी महरूमियत है, उनकी नेशनलिटी छीन ली गई और क्या है उनको अपने वतन से खारिज कर दिया गया। तकरीबन अभी बांग्लादेश में 12 लाख तकरीबन पुराने रिफ्यूजी के साथ 15 लाख तक का भी पहुंच गया है, इंतहाई कॉस्मोपॉलिटी की हालत में है। तो आज की इस मीटिंग के जरिए मैं पूरे दुनिया में इस आवाज को, जैसे हमारे सदर साहब ने रोहिंग्या के राइट के मुतालिक पूरे दुनिया में जो बुलंद आवाज उठा रहे हैं उनके साथ साथ रोहिंग्या की भी आवाज उठा रहे हैं उसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं उनके। तो आप जरा जानते हैं रोहिंग्या की जो हालात है रोज बरोज बहुत संगीन होते जा रहे हैं। रिपार्टेशन की जो मसाला है रिपार्टेशन उनको वापस ले जाना, अब उनको वापस ले जाने के कोई भी अभी यानी सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। अभी फिलहाल अभी रिसेंट जो मामला हुआ उधर से आर्मी हुकूमत ने कब्जा कर लिया, डेमोक्रेसी उधर में बिल्कुल डाउन हो गया। उधर में आर्मी हुकूमत है और इंतहाई जालिमाना हरकत पर है रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लवसी की प्लान प्रोग्राम पर उनको अपने वतन से बाहर कर दिया। तमाम तमाम राइट थे उनको बहुत दिनों से तकरीबन 38 साल से ज्यादा उनको जुलूम पर जुलूम कर रहे हैं। तो अभी बांग्लादेश में इस हाल में है इंतहाई की हालत में, उनकी न रहायश का इंतजाम है, न खाने पीने का, न तालीमी। खुसूसन अभी यूएन के जो सर्वे है उसी के हिसाब से 60% के ऊपर बच्चे हैं उधर जो तालीम के मुस्तहक हैं, उनकी तालीम की क्या बंदोबस्त है। इतने सारे लोग बहुत महदूद जगह में जो बांग्लादेश में है, तो अभी इनकी वापसी अपने राइट के साथ अपने हुकूक के साथ उनकी वापसी इंतहाई जरूरत है। इसलिए वर्ल्ड कम्युनिटी पर जोर डालना चाहिए कि यूएन अभी दुनिया में यूएन और यूरोप अमेरिका के जितने सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो जितने सारे अभी कुछ कर रहे हैं सिर्फ वो आईवॉश है। अगर सही तौर से कुछ करने का होता तो आज बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान के इतनी इंतहाई जुलम की हालत में जो नस्लकुश हुए जेनोसाइड हुआ उसी पर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे कश्मीर के हालात हैं, इतने दिनों से कश्मीर के मुसलमानों की जो बुरी हाल है उसी तरह बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों की हालत भी इंतहाई बुरी हाल है। तकरीबन 100 साल से ये मामला चल रहा है लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से जो कुछ हो रहा है सिर्फ आई वॉश है। उधर वफद जा रहे हैं, देख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रेजोल्यूशन ले रहे हैं, लेकिन सही इकदाम जो करना है उसी तरफ ये सही इकदाम नहीं है। तो उसी के लिए स्ट्रांगली जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है खुशन मुसलमान ममालिक की तरफ से और मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसके लिए सही इकदाम
اقدام ہونا بھی چاہیے. اس لیے جو ابھی آئی سی سی میں انٹرنیشنل جو کیا ہے جسٹس بورڈ ہے وہاں پہ بھی کیس اٹھایا گیا ہے, وہاں پہ کیس بالکل یعنی وہاں پہ کیس چل رہا ہے سب جانتے ہیں. تو اسی طرح یو این میں بھی یہ مسئلہ ہے, یو این کی طرف سے بار بار کتنے سارے وفد آ رہے ہیں, کتنے سارے ریزولوشن لے رہے ہیں, لیکن ابھی اندرونی ارکان برما کے اندر جتنے سارے ریفوجی 2012 سال سے ان کی حالت جتنی جستی تھی اس سے بھی بدتر ہو گئی ہے. وہاں پہ اپنی حالت میں ان سے ان کو اپنے گھروں سے باہر کر دیا گیا, ان کے جو جائیداد ہیں اسی کو چھین لیا گیا ہے. تو ابھی کیمپوں میں ہے, ریفوجی کیمپ ہے, اندرون ارکان میں بھی ریفوجی کیمپ میں ابھی موجود ہے, ان کی کوئی صحیح تصدیق نہیں کی. ابھی تک اندرون ارکان میں جتنے سارے 2.5 لاکھ سے زیادہ وہ اندرون ارکان میں ریفوجی کیمپ پہ کتنی بری حالات میں, نہ کوئی خدمات ہے, نہ کوئی انٹرنیشنل میڈیا وہاں جانے کی اجازت ہے, نہ کوئی انٹرنیشنل کوئی آرگنائزیشن جو وہاں پہ خدمات کے کام کرے وہ جانے کی اجازت ہے. وہاں پہ ابھی بالکل ابھی عالمی حکومت آ گئی ہے پھر سے, جو سوسی کی جو حکومت تھی جو تھی وہ بھی روہنگیا مسلمان کے یعنی خلاف ہی تھے. ابھی ان کی تختہ الٹ گئی ہے آرمی حکومت کے ہاتھ پہ, تو ابھی انتہائی بری حالت میں ہے ہماری حالت. تو اس لیے ہم اس آرگنائزیشن کے ذریعے پورے دنیا میں یہ آواز اٹھانا چاہے کہ روہنگیا مسلمان ہے, ارکان جو ہے وہ روہنگیا مسلمانوں کی ہے, وہاں سے ان کو بے دخل کر دیا گیا, ان کو یہ رائٹ ملنا چاہیے. پورے دنیا میں ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے رائٹ کے ساتھ روہنگیا مسلمانوں کے رائٹ کے ساتھ ان کو واپس لانا انتہائی ضرورت ہے. تو میری یہ مختصر بیانات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, ساتھ ساتھ میں ہمارے صدر اور تمام جو ذمہ دار ہیں انٹرنیشنل میں رکھ کے جو جتنے سارے ذمہ دار ہیں میں ان سب کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.